हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो डिवोशनल वाला स्टोरीज में आज हम जानेंगे मछली से शिक्षा, कैसे हम मछली को देख के कुछ अच्छे शिक्षा को जान सकते हैं। चलिए जानते हैं। अब हम देखते हैं कि मछली सिर्फ मछुआरे के कांटे में लगे हुए मांस को और उसके टुकड़े को देख के तुरंत आकर्षित होके उसको खाने के लिए दौड़ता है। हमको बहुत ज्यादा जीवा के लालसा से आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा अपने जीवा के प्रति आसक्त रह के धावित होते रहते हैं तब ये हमारे लिए हमारे दुख का कारण बनेगा। तो हमको सचेतन रहना है सर्वोपरि सबसे ज्यादा साधुओं को और फिर जाके साधारण सभी व्यक्तियों को, क्योंकि ये शिक्षा सभी के लिए है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाने के प्रति लालायित होकर दौड़ते हैं लेकिन आज वो खाना और उसको भूख करना ही हमारे जीवन में काल बन गया है। हम देखते हैं लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड के प्रति, बहुत ज्यादा जंक फूड्स के प्रति, हाँ बहुत ज्यादा बाकी डीप फ्राइड ऑयली स्पाइसी हाँ डिकम्पोज चीजों के प्रति आसक्त हो रहे हैं और इस सब को खा के उनका ही तबीयत खराब हो रहा है और विभिन्न प्रकार के रोग आदि पकड़ लेते हैं। तो अगर इससे बचना है तो अपने जिह्वा को नियंत्रित करना सीखें, प्रयास करें सही चीज खाने का, सात्विक आहार करने का, तब आप स्वस्थ रहेंगे बिना मेडिसिन लिए। वैसे ही हम अगर अपने जिह्वा को नियंत्रित ना करें और सभी विषयों को देख के तुरंत ही खाने के लिए आसक्त हो के दौड़ते रहें तो ये सब हमको क्लेश प्रदान करेंगे। पहले मजा बाद में जाके सजा बन जाएगा। आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, इतने सारे चीज को एक साथ खाएंगे, बहुत ज्यादा भोग करेंगे, बिन खाए क्यों मरे, खाके मरे। लेकिन ये सोच गलत है। हमको सुस्त रहना है, सुखी रहना है। मृत्यु भी हो वो भी तरफ तरफ के नहीं हो, इतना कष्ट प्राप्त करके नहीं हो। तो जितने दिन आप जिए सुखी जिए, सुस्त जिए, और जो आपको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपके शुभाकांक्षी हैं, वो भी आपको देख के खुश हो। हम सभी को अपने जिह्वा के ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। तो मछली को देख के इस शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं। सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।